बहुत दिनों के बाद दोस्तों एक नई वीडियो आपके लिए लाए हैं और आज हमारे साथ हैं ये पुराने खिलाड़ी हमारे आशीष डायरी के और एक ये पुराने खिलाड़ी हैं आशीष डायरी के जिनका नाम है मनु मिश्रा और ये देख भी नहीं रहे हैं। वाह भाई, और ये हैं, पहचानिए कौन है? काय रे, पहचाने नहीं पा रहे हो का? ये है अभिषेक कुमार। हाँ, इनकी खूब मारा। तो हेलो दोस्तों, कानपुर से मैं आशीष गुला करता हूँ आपका स्वागत इस नई वीडियो में। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि लॉकडाउन इसमें चल रहा है जो कि 3 मई तक चलेगा और कहीं भी निकल कोई नहीं सकता है, ना कोई कहीं जा सकता है। तो हमने सोचा कुछ ना कुछ बनाया जाए क्योंकि काफ़ी दिन भी हो चुके थे, कोई वीडियो नहीं पड़ी थी। तो हमने सोचा कि यहाँ पे आए और ये बारी है जो हमारे इधर है और यहाँ पे खीरे ककड़ी वगैरह सब बोए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे कैसा क्या माहौल है और यहाँ पे अभी गंगा जी के पास भी चलेंगे और जैसा भी होगा वो सब कुछ आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। चलिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ये दोस्तों हम आ चुके हैं यहाँ पे कटरी के अंदर जहाँ पे खीरे ककड़ी सब बोए जाते हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं पीछे और ये करेला वगैरह सब कुछ लगा है और इधर ये इधर आप देख सकते हैं ककड़ी वगैरह सब लगे और दूर दूर तक आप देख सकते हैं ये इसी की खेती भी होती है यहाँ पे। और ये दोस्तों ये दोस्त हमारे हैं जो कि टिकटॉक पे वीडियो बना रहे हैं, बहुत मस्त हैं। भाई लॉकडाउन से एक तो फ़ायदा हुआ है जो कि गंगा मैया को हुआ है और हम जानते हैं कि लॉकडाउन इस समय इंसान लोगों को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ भी दे रहा है क्योंकि लोग बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं, कहीं जा भी नहीं पा रहे हैं, कमाने भी तो तकलीफ़ भी बहुत हो रही है। लेकिन इस समय आप देख सकते हैं यहाँ पर गंगा जी कितनी निर्मल दिख रही हैं और बिल्कुल साफ दिख रही हैं और चारों तरफ आप देख सकते हैं। पहले अगर आप यहाँ पर देखते होंगे ऊपर ये तो इतना ये आसमान नीला नहीं दिखता था, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि इंडेक्स क्वालिटी कितनी साफ़ है और कितनी प्योर है, आप आराम से सांस भी ले सकते हैं। और कुछ दोस्तों मैं बात करना चाहता हूँ फेक न्यूज़ पे। आप लोग फेक न्यूज़ पे बहुत ही जल्दी विश्वास कर लेते हैं और अपने घर से निकल भी जाते हैं क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैंने न्यूज़ देखा कि बहुत लोग मुंबई में बांद्रा में वहाँ पे दोस्तों रोड पे लोग निकल आए थे अपने घर जाने के लिए। तो दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपने घर से ना निकलें और कहीं भी ना जाएं, जहाँ पे हैं वहीं पे रहें और सुरक्षित रहें और जब सरकार कोई भी ऑर्डर करे तब उसका पालन करें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, बाय।